दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाने वाले हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में। तो बच्चों जब एक फर्म, खास तौर पे जो प्राइवेट फर्म है, वो जब इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको देखना पड़ता है कि आखिरकार उस इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो इस इन्वेस्टमेंट करने से उसको कितना रिटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो बेसिस पे लिया जाता है। अगर मान लीजिए एक फर्म को इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो बातों पे लिया जाता है, एक तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपको मशीन के द्वारा 20 लाख रुपए की इनकम दी गई, लेकिन ये जो 20 लाख रुपए की इनकम दी गई ये 5 ईयर के बाद मिले आपको, यानी कि लगातार आपने काम किया तो 5 साल के बाद आपको 20,000 रुपए की इनकम मिली। तो इस केस में आपको निकालना पड़ेगा कि आखिरकार आपकी रिटर्न की रेट क्या है। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे समझा दूंगा। तो मान लीजिए ये रेट की रिटर्न आई 15%, यानी कि आपको एनुअली 15% मिल रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि एक तरीके से ये रिटर्न है। दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो मान लीजिए आपने बोरो किया, आपने बोरोइंग की, तो जब बोरोइंग आपने किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। दूसरा होता है आपने क्या किया, बोरो ना करके डिपॉजिट किया तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है। यहां पे हम इन दोनों में, हालांकि जो बोरोइंग करते हो और जो लेंडिंग आप करते हो उन दोनों में ही इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो, लेकिन सुविधा के लिए मान लिया कि दोनों ही 10% है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आप इस 10 लाख रुपए का आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो अपनी पॉकेट से करो या आप उधार लेके करो, कोई भी तरीका आप प्रयोग करो, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर MEC ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तभी इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक होगा। तो इसके बेस पर बच्चों हम आप बच्चों को डिटेल कराने वाले हैं कि आखिरकार MEC कैसे निकालते हैं। तो बच्चे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकालने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहां समझा देता हूं। हम आप बात कर रहे हैं, अब सीधा सीधा हम आ गए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला कि आपकी फ्यूचर इनकम क्या है, फ्यूचर इनकम और दूसरा आपका सप्लाई प्राइस क्या है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कार खरीदूंगा और उस कार का प्रयोग ओला ओवर लगाने में हम यूज करेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल सिंपल से मान लेते हैं। तो कार मान लीजिए 10 लाख रुपए की कार आती है, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि इस केस में जो सप्लाई प्राइस है, यानी कि जो आपने खरीदा, सप्लाई प्राइस एक तरीके की कॉस्ट है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि सप्लाई प्राइस का बेसिकली जो मीनिंग लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन है, अगर सेम तरीके की मशीन आपको दोबारा खरीदनी है तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है कि आपने कोई मशीन 5 लाख में खरीदी हो और डेप्रिशिएट हो के उसकी जो नेट वैल्यू हो 4 लाख रह गई हो, 3 लाख रह गई हो, लेकिन सप्लाई प्राइस का मतलब है कि अगर आपको उसी तरीके की नई मशीन लेनी है तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा प्रोस्पेक्टिव इनकम, देखिए प्रोस्पेक्टिव इनकम क्या है, मान लीजिए जो कार है इसकी डीजल कार है तो 10 ईयर्स की लाइफ है और 10 ईयर लाइफ में वो बहुत सारे पैसे कमा के देगी, लेकिन हर साल पैसा अलग अलग आएगा, तो जो टोटल रेवेन्यू है
उसमें से माइनस कर देंगे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिससे कि हमारी नेट वैल्यू नजर आ जाएगी, आपको नेट इनकम नजर आ जाएगी। यानी कि कार के द्वारा जो पैसा कमाया गया उसमें से माइनस कर देंगे पेट्रोल का खर्चा, या मान लीजिए कोई ड्राइवर आपने रखा है उसका खर्चा, या आप उसको मेंटेनेंस पे कोई खर्चा कर रहे हो, इंश्योरेंस पे जो खर्चा कर रहे हो, इस सब चीजों को माइनस करने के बाद आपको जो बचेगा वो आपकी नेट इनकम कहलाएगी। तो क्या बच्चों, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटिव इनकम, भविष्य में होने वाली इनकम, और इसको बोलते हैं सप्लाई प्राइस। तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं, देखिए इसके बारे में हमने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। आप याद रखिएगा, ये हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। टर्म एफिशिएंसी हैज बीन यूज्ड टू मीन रेट ऑफ इनकम, यानी कि जो हमारा एफिशिएंसी उसका मतलब रेट ऑफ इनकम, और जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ डिपेंड है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्टिव इनकम। प्रोस्पेरिटिव इनकम का मतलब है कि जो हमारी कैपिटल हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमें कितना पैसा कमा के देगी। जैसे हमने कार लिया, कार हमें अगले 10 साल में कितने पैसे देगी, वो हमारी प्रोस्पेरिटिव इनकम है। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल रेवेन्यू है यानी कि कार ने हमें जितना पैसा कमा के दिया अगले 10 सालों में से, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने कार को रनिंग करने में जो खर्चा हुआ है, पेट्रोल का खर्चा हुआ है या जो और खर्चे हुए, उनको माइनस करने के बाद जो नेट निकल के आएगा उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटिव इनकम। सप्लाई प्राइस के बारे में बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहां पे एक इशू पैदा हो गया। इशू क्या पैदा हुआ, आपने क्या किया, 10 लाख रुपए लगाए कार खरीदने के लिए आज, और कार आपको 10 साल में इनकम दे रही है 20 लाख। तो दोनों का कंपेरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया 2023 में और आपको 2023 में कुछ पैसा मिला, कुछ 24 में मिला, कुछ 25 में मिला, कुछ 26 में मिला, कुछ 27 में मिला। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सालों में अलग अलग इनकम मिलेगी। यानी कि देखिए, आज आपके पास जो 100 रुपए की वैल्यू है, आज आपके पास जो 100 रुपए हैं, कल वही 100 रुपए जो है वो 90 रुपए के बराबर होंगे, अगले साल वही 100 रुपए आपके 80 रुपए के बराबर होंगे, वही अगले साल आपके 70 रुपए के बराबर भी हो सकते हैं। यानी कि इस केस में आप फ्यूचर में मिलने वाली इनकम का कंपैरिजन आज के कॉस्ट से नहीं कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, या तो आप फ्यूचर में जो इनकम मिलने वाली है उसको करंट वैल्यू निकालो। अब देखिए मैथमेटिकल में यह सब पॉसिबल है, बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी होते हैं जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला है। हमने बच्चों न्यूमेरिकल ऑलरेडी कराए हुए हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो के रूप में नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो वीडियो जोड़ दूंगा। आप चाहो तो उसको स्किप कर दीजिएगा जब हम अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन बेसिकली बच्चों आपको याद रखना है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो यहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं उसका एक फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, PV इक्वल टू R 1 प्लस आई की पावर एन। देखिए बिल्कुल डिस्काउंट रेट की, जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट यहां पे लिखा भी कहीं होगा डिस्काउंट रेट। तो किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में आसानी हो। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। एक मशीन है, मशीन हैज लाइफ 5 ईयर और 5 साल में वो 1,000, 1,000, 1,850 और 700 रुपए कमा के देगी। और जो मशीन है वो 3,000 रुपए की मशीन आ रही है, ये उसकी एक तरीके से सप्लाई प्राइस है, और 5 ईयर उसका टाइम स्पेन है, 5 ईयर के बाद वो मशीन बिल्कुल 0 रुपए की हो जाएगी। और हर साल मशीन आपको कितने पैसे कमा के दे रही है, 1,000, 1,000, 1,000, 850 और 700। ये इसकी नेट वैल्यू है बच्चों, नेट इनकम है इसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल इनकम है उसमें से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो ये नेट वैल्यू मिल रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालते वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, R का मतलब हमें जो पैसा मिल रहा है, R का मतलब पहले साल में 1000 मिला, दूसरे साल में हमें मिला 1000, तीसरे साल में मिला हमें 1000, चौथे साल मिला 850 और उससे अगले साल मिला 700।
इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस समय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चल रहा है, यानी कि चाहे आप बोरो करो चाहे आप डिपॉजिट करो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है यहां पे लिखेंगे 1+0.05 डिवाइड कर देंगे 1+0.05 का स्क्वायर, दूसरे साल में हो गया, डिवाइड कर देंगे 1+0.05 का क्यू, डिवाइड कर देंगे 1+0.05 का 4 और डिवाइड कर देंगे 1+0.05 का 5। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पे देखिए नेट वैल्यू आ जाएगी, आपको यहाँ पे दिखा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 972, इसकी वैल्यू 907, यानी कि टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे दिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको चले लिख देता हूँ 952.75907, ये आ जाएगा 803, ये आ जाएगा 700 और ये आ जाएगा 550.25। तो जब आप सबको जोड़ दोगे तो आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3913। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप जो खरीद रहे हो मशीन उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 3000 रुपए की, और आप उस 3000 आप जो मशीन लगाओगे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो आ रही है 3913। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करना, आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब घटा दिया है, सब आपने उसको कंसिडर कर लिया है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक होगा। तो बच्चों ये तरीका है नेट प्रेजेंट वैल्यू के माध्यम से ये पता करने का कि आखिरकार हमें कितना फायदा मिल रहा है। एक और अल्टरनेटिव तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें अपना जो रेट जो हमारा आर है, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे रेट आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न से है, यहाँ पे आर का मतलब है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या आप कह सकते हो रेट ऑफ रिटर्न से, रेट ऑफ रिटर्न से। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये अल्टरनेटिव अप्रोच है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न पता करने का कोशिश करते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। अब मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है सीआर, सीआर का मतलब एक तरीके से सीआर का मतलब है कि जो आपको करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। मान लीजिए आपने कोई मशीन इन्वेस्टमेंट की 10000 रुपए की, मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपकी एक तरीके से सीआर का मतलब है कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि जो आपको आज मिलेगी, ठीक है जी। अब मान लीजिए R1 का मतलब है, R का मतलब है कि जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 5 साल में आपने मान लीजिए 5000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, अलग अलग सालों में अलग अलग, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस R की वैल्यू। अब मान लीजिए आपका जो रेट है वो 10% नजर आया, यानी कि एक तरीके से ये जो R है ये डिनोट करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। अब आप इसका कंपैरिजन करोगे इंटरेस्ट रेट से, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12% चल रहा है तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होगा, यानी कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% तो इन्वेस्ट न्यूट्रल हो जाएगा, और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9% तो इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको देखना पड़ेगा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है। तो यहां पे देखिए न्यूमेरिकल एक सॉल्व किया हुआ है, हालांकि न्यूमेरिकल बहुत लंबा है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इसमें यह माना गया है कि एक मशीन है जिसमें पहले साल में उसको मिलेगा कितने पैसे, 110 रुपए, दूसरे साल में 72 रुपए, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमें और जो मशीन की जो कॉस्ट है वो 110 रुपए है। तो जब आप इस पूरे सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 20%। अब आप क्या करोगे, आर को कंपेरिजन किससे करोगे, इंटरेस्ट रेट से। तो इसका मतलब है कि अगर आर ज्यादा होगा इंटरेस्ट रेट से तो इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा होगा, आर अगर कम होगा इंटरेस्ट रेट से यानी कि इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट होगा, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और आर अगर बराबर है इंटरेस्ट रेट के तो इन्वेस्टमेंट करने और ना करने दोनों की स्थिति में बात बराबर आएगी। तो बेसिकली बच्चों आपको इस वाले फार्मूले के थ्रू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकालने के लिए फोर्स किया जाता है, और जब एक बार आप मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को निकाल लेते हो उसके बाद इंटरेस्ट रेट से कंपैरिजन करते हैं। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इस तरीके से निकालना बच्चों बहुत लंबा सवाल है, इतना न्यूमेरिकल हम आपको करा नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें भी यहां पे काफी चीजें होंगी, लेकिन जो कंसेप्ट आपको समझना है वो कंसेप्ट आप जरूर याद रखिए। कंसेप्ट क्या है, देखिए मार्जिनल आप याद रखिएगा, ये चीज आप एक तरीके से समरी मान लीजिए इस पूरे क्वेश्चन की, कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो हमारी प्रेजेंट
कॉस्ट पर, जिसको कि हम सप्लाई प्राइस बोलते हैं। दूसरा फ्यूचर इनकम पर, ये नेट है, इसका मतलब हमारी जो टोटल रेवेन्यूज में से हमने कॉस्ट को माइनस कर दिया है। अब जब एक बार मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वैल्यू निकल जाती है, मान लीजिए आर की वैल्यू हमारी आ गई 10%, तो सीधा हम इंटरेस्ट रेट से कंपैरिजन करेंगे। अगर आर मोर देन है इंटरेस्ट रेट से तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, आर कम है इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और अगर आर इक्वल है तो इसका मतलब है जो सप्लाई जो इन्वेस्टर है वो न्यूट्रल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।